बात की जाए विदेशी कंपनियों की, तो विदेशी कंपनियों के बाद अब विदेशी नागरिक भी मुंबई में लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, और ऐसा ही एक मामला शहर के फोर्ट इलाके में सामने आया है। इस पर पेश हमारी एक खास रिपोर्ट। कंपनी द्वारा भारतीय कंपनी के साथ विश्वासघात और धोखाधड़ी का ये किस्सा आपके पांव तले जमीन खिसका देगा। बड़े बड़े वादे और अपनी मीठी मीठी बातों के झांसे में लेकर लंदन की नामी गिरामी मल्टीनेशनल कंपनी रीगस बिजनेस सेंटर के कुछ विदेशी और भारतीय ठेकेदारों ने भारत की मैरीगोल्ड रियल्टर्स से 26 करोड़ 54 लाख की रकम बड़ी चतुराई से ठग ली। आपको बता दें कि मैरीगोल्ड रियल्टर्स लिमिटेड मुंबई और मुंबई के उपनगरों में कारोबार की योजना, निर्धारित कीमतों और निश्चित शेयर के हिस्सों के आधार पर ऑफिस और बिजनेस के लिए कंपनियों को जगह मुहैया करवाती है। यह किस्सा मुंबई के वीर नरिमन रोड का है, जहां मैरीगोल्ड रियल्टर्स लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट श्री दारा नवल बम्बोट समेत कंपनी के अन्य अधिकारियों के सामने रीगस बिजनेस सेंटर के मधुसूदन ठाकुर, निमेश डेड़िया और सुभाष भट्ट एक आकर्षक बिजनेस प्लान का प्रस्ताव लाए थे। दारा बम्बोट, मैं मैरीगोल्ड रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहा हूँ। सर, जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे आपने बताया कि अब तक अगर हमने सुना है तो देखा है कि हमेशा जो है इंडियन कंपनी के साथ फॉरेन कंपनी के साथ जो है इंडियन चीट करते हैं, लेकिन एक इंडियन कंपनी के साथ फॉरेनर ने चीट किया है। कब हुआ ये पूरा मामला, कैसे इन फॉरेनर के चक्कर में आप पड़े, किसके थ्रू पड़े, और आपको अच्छी मुनाफा होगा और इसमें आपको हिस्सेदार बनाएंगे। और ये करने के पहले हम लोगों ने उनको बताया कि प्लीज़ हमें आप एस्टिमेट दीजिए कि हम इतने बड़े अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो हमको कितना होगा प्रॉफिट। तो उन्होंने बिजनेस प्लान बनाया और 5 बरस का बिजनेस प्लान बना के दिया, और जैसे पहले बताया वो बहुत कम आया। पहले बरस में खाली 16% जितना प्लान से आया, और टोटली 3 बरस में भी जो आना चाहिए वो बिल्कुल नहीं आया। बहुत हम लोग को नुकसान हो गया, और ये नुकसान इसलिए हुआ कि हम लोग उनके बिजनेस प्लान के हिसाब से गए कि भाई इतना मुनाफा, और वो टाइम भी बताया था कि वेरी कंजर्वेटिव एस्टिमेट बनाया है, इससे ज़्यादा भी आपको मिलेंगे जैसा बिजनेस। तो हम लोग ने के सोचा कि चलो अच्छा है, 5 बरस तक अच्छा होगा, धंधा चलेगा तो हमारी प्रॉपर्टी की भी वैल्यू बढ़ेगी, इसलिए हम लोग इसमें चले गए। मगर जब इतना ख़राब अनुभव हुआ तब हम लोग को लगा कि हम लोग के साथ बराबर नहीं पड़ता हुआ है, इसलिए हम लोगों ने कंप्लेन की है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। करीब अपनी बातों में फंसाकर 75 और 25 शेयर के हिस्से पर मैरीगोल्ड के मालिकों को राजी किया, और इस्माइल बिल्डिंग वीर नरिमन रोड हुतात्मा चौक फोर्ट मुंबई में ग्राउंड फ्लोर में अपने ऑफिस के लिए 8 करोड़ के फर्नीचर के साथ साथ 5 साल की जगह के लिए 32 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट को भी साइन कर दिया। इसके बाद जो हुआ वह आपको भौचक्का कर देगा। जगह मिलने के बाद बिजनेस में घाटा बताते हुए रीगस लगातार मैरीगोल्ड के मालिकों को ठगती रही, और वादा की हुई रकम का 1/4 भी मैरीगोल्ड को देने में नाकाम रही। पहले वर्ष में 3 करोड़ की जगह सिर्फ 60 लाख, और दूसरे वर्ष में कथित 5 करोड़ की जगह सिर्फ 2 करोड़ ही चुकता कर पाए रीगस के मालिक। कुल मिलाकर 32 करोड़ की जगह केवल 15 करोड़ चुकाकर मैरीगोल्ड के साथ 26 करोड़ का विश्वासघात किया रीगस के मालिकों ने। इसका यह एक्सपेक्ट ये है कि नॉर्मली हम सुनते हैं कि कैसे हमारी इंडियन कंपनीज जो है वो फॉरेन कंपनीज के साथ में कुछ चीटिंग या उनके साथ में डिस्प्यूट होता है या कुछ होता है, और वो बहुत सारा मीडिया में दिया जाता है। यहाँ पे एक उल्टा है, यहाँ पे एक इंडियन कंपनी है जिसको फॉरेनर्स ने चीट किया, कैसे उन्होंने एक षड्यंत्र रचा ताकि वो एक हमारी जगह जो है, अभी जो आप जगह देख रहे हो, ये ऑफिस जो देख रहे हो, ये हार्ट ऑफ साउथ बॉम्बे के अंदर दिया रखी गई है। अब इस जगह की वैल्यू कम से कम 60-70 करोड़ रुपया होगी। ये जगह जब हमारे क्लाइंट्स ने 5 साल पहले जब इसको भाड़े पर देने के लिए निकाले और सोचे, तब बहुत सारी कंपनीज ने हमें अप्रोच किया और कहा कि हम 60-65-70 लाख रुपया महीने का देने को राजी है। उस वक्त पे रीगस करके कंपनी है जो बिजनेस सेंटर्स रन करती, जहां वो हमें अप्रॉक्सीमेटली 6 करोड़ रुपया देने का वादा किए थे, और जो उनका प्रोजेक्शन था उसके अगेंस्ट उन्होंने हमें 60 लाख रुपया ही दिया, और पूरे साल का, जिसका मतलब होता है कि महीने का 5 लाख रुपया, जहाँ की अगर हम उसे इन्वेस्टमेंट किए बगैर ऐसे ही डायरेक्टली रेंट पे देते तो हमें कम से कम 60 लाख रुपया महीने का मिलने वाला था। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके जगह दे के हमें पूरे साल में सिर्फ 60 लाख रुपया मिला,
हमने जब इनसे अप्रोच किया तो बोले नहीं नेक्स्ट ईयर में बेटर होगा, थर्ड ईयर में बेटर होगा, ऐसे करके 3 साल तक इन्होंने खींचा और जहां हमें एक्चुअल इनकम मिलनी चाहिए थी उससे कई कम कम मिली और टोटल इन्होंने चीटिंग 27 करोड़ रुपए की हमारे साथ में किया है। अब ये चीटिंग ऐसी है कि हमारे से इन्वेस्टमेंट करवाया, हमारी जगह यूज़ की इनका ब्रांड बिल्डअप करने के लिए और यहाँ पे जो भी इनकम भी होती थी वो ये ऐसे बता रहे थे कि इनकम कम हो रही है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहा है और इनकम जो आ रही थी वो फॉरेन कंपनीज में लिया जा रहा था, दूसरी जगह पे लिया जा रहा था, उसी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मैरीगोल्ड कंपनी के फरवरी 2014 में नोटिस देने के बावजूद मार्च 2015 तक भी रीगस ने जगह खाली नहीं की और मैरीगोल्ड के दबाव डालने पर रीगस के फिलिपो सर्टी, डगलस जॉन हैंडरसन, डेविड कॉकर और क्रिस्टोफर लिंच ने कॉन्ट्रैक्ट की बात से साफ इनकार कर दिया। मैरीगोल्ड के मालिकों ने 29 मार्च 2015 को रीगस के खिलाफ केस मुंबई के एस्प्लेनेड किला कोर्ट में दर्ज किया। कोर्ट ने मरीन लाइंस पुलिस स्टेशन को जांच के आदेश दे दिए। प्रदीप शर्मा के साथ रिद्धिमा सक्सेना, लेमन न्यूज। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीनिवासन को एक बड़ा झटका लगा है। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए